किसी संख्या में दो बार क्रमागत 17% की वृद्धि कर दी जाए तो उस संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा सवाल जब भी आए कि 2% समान वृद्धि कर दे या 1 वृद्धि 1 कमी कर दे, तो ऐसे सवाल को सॉल्व कैसे करना है। आपको बोला गया है कि 17% की दो बार वृद्धि कर दी गई, तो सवाल को करने का तरीका क्या रहेगा, 117 × 117 / 100 - इस तरीके से भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन इतना करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर एक सीधी सी ट्रिक है अपने पास, 17% की दो बार वृद्धि की गई है, ठीक है, दोनों ही बार प्लस किए गए 17 को, तो क्या करेंगे इसके अंदर 17 की स्क्वायर क्या हो जाएगी आपके पास, 289। और इसी प्रकार आप क्या करोगे, 17 का दोगुना कर दो, 17 का दोगुना क्या हो जाएगा 34, और यहां जोड़ दो आप इसको क्या आ जाएगा 89, ये आ जाएगा 34, तो 36.89% की क्या हो जाएगी यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, 36.89% की क्या हो जाएगी वृद्धि। अगर यही सवाल ऐसे होता कि एक बार 17% की वृद्धि कर दी और एक बार 17% की कमी कर दी, उस सवाल के अंदर आपका उत्तर क्या हो जाता, सीधा 289 जो स्क्वायर है इसका, पॉइंट छोड़ दो, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 2.89% की कमी, हमेशा कमी होगी, जब एक समान कमी और एक समान वृद्धि कर दी जाए तो हमेशा कमी होगी, और कितनी कमी होगी, जो भी संख्या है उसका स्क्वायर कर दो और दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये आंसर हो जाता आपका, ठीक है। सवाल क्या बनता है इसके लिए कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 17% की वृद्धि कर दी फिर 17% की कमी कर दी तो उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 17 की स्क्वायर कर दो और पॉइंट लगा दो और कमी हो जाएगी। और अगर दोनों ही बार वृद्धि हो तो क्या करना है इसके अंदर, 17 की स्क्वायर 289, सिर्फ 2 डिजिट लेने आपको यहाँ पे, ठीक है, और 17 × 234 यहाँ पे जोड़ दो, तो ये संख्या इसमें जुड़ जाएगी 2, ये हो गए 36 और ये हो गए 89%। इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं, इसका सॉल्यूशन भी करोगे तो ये उत्तर आएगा आपका, इसका सॉल्यूशन करने में भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 16 × 2/3% की दो बार वृद्धि कर दी जाए। अब इस सवाल के अंदर बट्टे के अंदर दे दिया, तो 16 × 2/3% को आप क्या लिखते हो, 1/6 वृद्धि हो रही है, तो ये 6 का कितना हो रहा है, 6 × 1 = 7, तो 7/6। ऐसा सवाल जब भी पूछे दोनों बार वृद्धि की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर कर देना और 100 का गुणा कर देना, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, तो क्या आएगा 49/36 × 100, और इसका आंसर आप जब निकालोगे तो ये आएगा 136.11, तो इसके अंदर जो बचेगा वृद्धि कितनी हो जाएगी, 36.11% की वृद्धि हो जाएगी, 36.11% की, ये सवाल है आपका। इससे अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 13% बढ़ा दिया गया फिर 13% घटा दिया गया, तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वैसा ही सवाल है जो अभी अपने बात की थी कि पहले 13% की वृद्धि कर दी गई और फिर 13% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई, तो इसके अंदर क्या होगा, कमी होगी, और कितनी कमी होगी, तो 13 की स्क्वायर क्या होती है 169 और 2 अंक छोड़ दो, क्या होगी कमी, 1.69% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी इसके अंदर। ऐसे ही यहाँ पे आपको 15% देते कि 15% की वृद्धि और 15% की कमी, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो 15 की स्क्वायर 225, तो 2.25% की क्या हो जाएगी यहाँ पे, कमी हो जाएगी, 2.25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगला सवाल, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यदि ए बी से 20% अधिक है तथा सी ए से 25% कम है तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो ए बी सी को आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी और सी, ए बी से 20% अधिक है, यदि बी को 100 मान लिया जाए ए कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, अब सी ए से 25% कम है, सी ए से 25% कम है, इसका 25% लेस कर दो इसमें से, इसका 25% क्या आएगा, इसका 25% आ जाएगा 30, तो 30 लेस कर दो 120 में से, 30 लेस करो क्या आ जाएगा 120 का 25% निकाल लेना, ऐसे निकाल सकते हो, ये 4 बार घटेगा, ये 30 बार, इसलिए यहाँ से कितना लेस किया हमने, इसका 25% कितना है 30, वो लेस कर दिया कितना बचा 90, तो 0 से 0 कट गया, तो इसका अनुपात क्या आ गया 12:10:9, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल,
यदि ए बी से 16 से 2/3% अधिक है तथा सी बी से 33 से 1/3% कम है। अब देखो बट्टे के अंदर आ गए तो ए बी सी लिख लो, 16 से ही 2/3% अधिक है ए बी से, यदि बी 6 होगा तो ये कितना होगा 7। कैसे? क्योंकि 16 से ही 2/3% को अपन क्या लिखते हैं 1/6, यानी बी 6 है तो ये कितना है 1 अधिक इससे कितना 7। अब बात करते हैं सी बी से 33 से ही 1/3% कम है, जो सी है वो बी से 33 से 1/3 को क्या लिखते हैं 1/3, या इसको 2/6 भी लिख सकते हैं, भी 2 से गुणा कर लो, ऊपर भी 2 से गुणा नीचे भी 2 से गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2/6, यानी ये बी अगर 6 है, 6 क्यों बनाया नीचे, क्योंकि बी क्या है अपने पास 6 है, तो 6 के अंदर 2 की वृद्धि यानी कितने हो जाएंगे, कमी हो रही, तो इसके अंदर 6 में 2 की कमी मतलब कितना हो गया 4, तो इसका अनुपात क्या हो गया 7:6:4। एक बार और देख लेते हैं, ए जो है बी से 16 से ही 2/3% अधिक है, तो 16 से ही 2/3% को क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं, 1/6, 6 के अंदर 1 अधिक है, 6 से 1 अधिक है, 6 से 1 अधिक होने का मतलब क्या हुआ, ये 6 है तो ये कितना हो गया 7। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो सी है वो बी से 33 से 1/3% इसका मतलब क्या हो गया 1/3, 1/3 को और क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से, 2/6, 6 क्यों किया, क्योंकि बी क्या है 6, तो ये 6 से कितना कम है 2 कम है, 6 से 2 कम है मतलब ये कितना है 4, इनका अनुपात क्या आ गया 7:6:4। अगला सवाल है ए की आय व खर्च का अनुपात, आय व खर्च का अनुपात 5:3, आय और खर्च का अनुपात 5:3, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, आय में 20% की वृद्धि करनी और उसके खर्च में 30% की वृद्धि हो जाए, तो खर्च में 30% की वृद्धि, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो अभी 5:3 दे रखा है आपको, अनुपातों में दे रखा है, ठीक है, यदि ये 5 है तो ये कितना है 3, आय 5 है तो खर्च कितना है 3, तो यहाँ पे बचत कितनी हो जाएगी 2, बिल्कुल आय 5 है खर्च 3 हो गया तो बचत कितनी होगी 2, लेकिन अब 5 का 20% निकालने जाओगे, 3 का 30% निकालने जाओगे और 2 का जो भी आगे सॉल्यूशन करेंगे उसके अंदर, तो ये कंफ्यूज रहेगा आप, तो इसको क्या कर लो, इसको 500 कर ले, इसको 500 करते हैं रेफरेंस भी ये क्या हो जाएंगे 300 और ये क्या हो जाएंगे 200। अब परसेंट निकालना आसान हो जाएगा, देखो 500 में 20% की वृद्धि करनी है तो 500 का 20% कितना होता है, परसेंट निकालते तो पहले बताया था 2 जीरो कम कर दो, 2 जीरो कम कर दी, 5 को 20 से गुणा किया 100, 100 की वृद्धि होगी यानी कितने हो गए 600, 300 में 30% की वृद्धि, खर्च कितना हो गया 300 का 30% कितना होता है 2 जीरो हटा दो, 3 को 30 से गुणा किया 90, यानी ये कितना हो गया यहाँ पे 390, वृद्धि हो रही है तो 90 की वृद्धि कर दी 390 हो गया, ठीक है। अब देखो आय बढ़ने के बाद आय क्या होगी 600, खर्च हो गया 390, तो बचत कितनी रही, माइनस करके देखो बचत कितनी रही 210, यानी बचत पहले कितनी हो रही थी 200, अब हो रही है 210, क्या हुआ बचत के अंदर भी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि हुई 10 की, 10 / 200 = 200 आसान सा सवाल है, ठीक है, कैलकुलेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जब इसको 5, 3 और 2 रखोगे तो आपके कैलकुलेशन पॉइंटों में चली जाएगी, तो पॉइंटों में नहीं जाना है आपको, तो आप इनको क्या कर लो 500, 300, 200, भाई यहाँ 2 जीरो लगा रहे हो तो वहां भी 2 जीरो लगा रहे हो, यहाँ भी 2 जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपके लिए, 500 का 20% वृद्धि कर दी यानी 600 हो गया, ये 390 हो गया, ये 210 हो गया। अब ये पूछा है बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ा दिख रहा है आपको, पहले बचत 200 की होती थी अब 210 की होने लगी, यानी 10 रुपए की वृद्धि हो रही है, 10/200 × 100 यानी कितनी वृद्धि होगी टोटल 5% की वृद्धि होगी। अगला सवाल है आपका किसी परीक्षा में, अब देखो परीक्षा वाले सवाल है,
जो एग्जाम में आते हैं और आसान सवाल है एकदम, किसी परीक्षा में ए 30% अंक प्राप्त करता है, ए जो है 30% अंक प्राप्त करता है और 19 अंकों से फेल हो जाता है, 19 अंकों से फेल हो गया, फेल हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, फेल हुआ था इसलिए क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। उसी परीक्षा में बी 42% अंक प्राप्त करता है, बी जो है 42% अंक प्राप्त करता है और वो 17 अंक अधिक लेकर पास होता है, तो वो 17 अंक अधिक लेकर पास होता है, ठीक है। ये सवाल का आंसर यहीं से आ जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, इन परसेंटेज का जो गैप होगा वो इन नंबरों के गैप के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये 30% है और 19 अंकों से फेल हो गया, ये कहीं ना कहीं बीच में पास होता तो वो 19 अंक जोड़ेंगे तो 20 में आएगी संख्या, उसके बाद 42 है तो ये 17 अंक अधिक लेकर पास हो, तो ये जो पास का क्राइटेरिया उससे 17 अंक इसने अधिक लिए, इसका जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 12% का, और इनका अंतर कितना आएगा, अब इसका अंतर तो आना चाहिए भाई, आप तो सीधा कोई अंदाजा लगा रहा होगा 2-2, लेकिन 2-2 नहीं आएगा, अंतर करने का मतलब 42 में से 30 घटाया है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस थोड़ी था, 42 में से आपने 30 घटाया है तो यहाँ भी तो 17 में से क्या घटाओगे आप, माइनस का 19 घटाओगे, 17 में से क्या घटाओगे, माइनस का 19, इसीलिए माइनस लिखा था मैंने, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 17 और 19 कितने हो गए टोटल 36, 17 और 19 कितने हो गए 36, तो 12% बराबर 36, टोटल पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक मतलब क्या होता है, क्या मानेंगे, 100, कुल 100 होता है बटा 12, ये तीन बार कट गया, आंसर क्या आ गया आपका, आसान सवाल है भी, एक जना पास हो रहा है और एक जना फेल हो रहा है, तो याद रख सकते हो आप इन दोनों को जोड़ना है, यहाँ तो हमेशा ही अंतर आएगा लेकिन ये दोनों को जोड़ना है, माइनस प्लस अगर समझ नहीं आए तो सीधा ध्यान में रख लेना, अगर एक पास और एक फेल हो तो यहाँ पे अंकों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, माइनस प्लस कुछ नहीं देखना आपको, अंकों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, बाकी किसी भी कंडीशन में अगर दोनों फेल हो रहे हैं दोनों पास हो रहे हैं तो अंकों का भी क्या करेंगे, अंतर करेंगे, सिर्फ इस एक सवाल को छोड़ के, अगर एक पास एक फेल हो दोनों जुड़ेंगे और दोनों फेल या दोनों पास हो तो ये क्या करेंगे, ये भी घट जाएंगे। जैसे अगला सवाल है अपना, ए और बी दो जने हैं, ए क्या करता है 27% अंक प्राप्त करता है, ए क्या करता है 27% अंक प्राप्त करता है और 27 अंकों से ही फेल हो जाता है, और बी क्या करता है 33% अंक प्राप्त करता तथा 3 अंकों से फेल हो जाता है, ये 3 अंकों से फेल होता है, तो आपको पूछ लिया परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, तो दोनों ही फेल हो रहे हैं, दोनों फेल हो रहे हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको बताया दोनों फेल हो रहे हैं तो इनका भी क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, इनका तो अंतर लेना ही लेना है, 6% बराबर कितने आ गए 24, तो 100% बराबर कितने हो जाएंगे, तो गुणा 100/6, ये कितनी बार कट गया 4 बार, आंसर कितना आ गया आपका 6। ऐसे ही सवाल होता कि दोनों पास है, दोनों पास की कंडीशन में भी क्या करते हैं अपन, है यहाँ पे माइनस लेते और माइनस लेने के बाद भी यही जो प्रोसेस है आपको अपनाना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक परीक्षा में इंपॉर्टेंट सवाल है ये, औसत से रिलेटेड सवाल भी है और परसेंट से रिलेटेड सवाल भी है। सवाल क्या है, एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 71 दे रखा है सवाल के अंदर, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 71% है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक, लड़कों का औसत प्राप्तांक 67, ठीक है, और इसके अंदर कहा है कि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 70 है, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सवाल को ऐसे क्यों लिखा है, ये भी समझ लेना, क्यों लड़कियों का अलग दे रखा है लड़कों का अलग दे रखा है, दोनों का जो मिश्रण है, दोनों का जो मिश्रण है वो मैंने बीच में लिख दिया, ये मिश्रण के, मिश्रण से रिलेटेड सवाल ये हो गया, तो देखो इजी हो जाएगा, मिश्रण के अंदर क्या करते हैं दोनों को क्रॉस घटाते हैं, 71 में से 70 में क्या बचा 1, 70 में से 67 में क्या बचा
तीन, तो दोनों का अनुपात आ गया आपके पास। यानी क्लास में अगर तीन लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं? एक। दोनों का अनुपात आ गया। सवाल क्या था? लड़कियों के औसत प्राप्तांक 71 है, लड़कों के 67 है, और दो पूरी कक्षा के कितने हैं? 70। यानी सबके मिला के मिक्सर कितना है? 70। ये अनुपात कितना आ गया? 3:1। अब इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया है कि लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करो, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 3। पूरी कक्षा की संख्या कितनी है? 4। 3 और 1 = 4 गुणा 100, ये कट जाएगा 25 बार। यानी लड़कियों का परसेंट कितना आ गया? 75%। लड़कियों का परसेंट कितना आ गया? 75% आ गया आपके, ये आंसर हो गया। ऐसा ही एक सवाल और है आपके कि एक परीक्षा में लड़कों का औसत प्राप्तांक 70 है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 64 है, सभी का औसत प्राप्तांक 68 है, यदि कुल विद्यार्थी 210 हो तो लड़कियों की संख्या क्या आती है? इस सवाल को आगे थोड़ा सा अलग कर दिया ताकि सवाल का पैटर्न यही, लड़कियों का, लड़कों का औसत प्राप्तांक दे रखा है 70, लड़कियों का दे रखा है 64 और पूरी कक्षा का दे रखा है 68। वही करना है इसके अंदर भी, क्या लेस किया 2, यहाँ पे 4, यानी 1:2। यदि कक्षा में एक लड़की है तो लड़कों की संख्या कितनी है? 2। इसने कहा है पूरी कक्षा में कुल विद्यार्थी 210 है, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 210। लेकिन अपने हिसाब से कुल कितने हो रहे हैं? 3 ही हो रहे हैं, तो 3 का भाग लगा दें यहाँ पे, कितने, 1 का मतलब क्या हुआ? 70, ये तो हो गए 70, इसको 70 से गुणा करोगे ये कितने हो गए? 100। अगर लड़कियों की संख्या पूछी जाए तो 70 और लड़कों की संख्या आपसे पूछी जाए कितनी हो जाएगी? 140। वैसे भी कर सकते हैं अनुपात बटा अनुपातों का योग गुणा, तो इतना लफड़ा करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको पता है टोटल कितना है 210, तो यहाँ आपने टोटल कितना रहा था 1 और 2, 1 और 2 कितना रहा था 3, भाग लगाया तो 1 पॉइंट की वैल्यू आपको पता लगी कितनी 70, यानी इसकी वैल्यू तो होगी 70 और इसको 2 से गुणा कर दो ये कितनी होगी 140। ये सवाल आपका